इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो देख लो भाई साइड के रेशियो निकाल के देखो जरा, सिमिलर होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा ढंग से लगाना पड़ेगा इसमें। बड़ा आराम से साइड नहीं दे रखी, घुमा फिरा के दे रखी है, और 13.5 दे रखी। यहाँ तो मुझे मिसप्रिंट सब पता नहीं, हो सकता सही भी हो पता नहीं, देखते हैं। चलो आप लोग दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जरा कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो 6/12 करोगे 1/2 आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो ए बी और डी तो नहीं हो सकता, ए बी और डी तो नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है। तो यानी मैं ऑप्शन से करता हूँ, देना मुझे पता लग गया कि ए बी और डी ई, ये वाला पार्ट तो कभी नहीं होगा, सी पार्ट, सी पार्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बी अपॉन डी ई से काम नहीं बनेगा। ए बी अपॉन डी ई इसमें भी आ रहा है, तो ये भी काम नहीं बनेगा। अब चेक कर लेते हैं ए बी और ई एफ को, चेक करते हैं जरा, जरा ए बी और ई एफ निकालो जरा, ए बी अपॉन ई एफ कितना आ रहा है जरा देखो, ए बी अपॉन ई एफ कितना आ रहा है, ठीक है? तो ये 6/9 से कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। चलो ये 2/3 आया। अब मैं बी सी अपॉन ई डी निकाल के देख लेता हूँ, बी सी अपॉन ई डी मतलब देखो, रेड कलर से ये रेड कलर हो गया, और ब्लू कलर से मैं इस ब्लू को देख रहा हूँ, ठीक है? चलो अब निकालते हैं बी सी अपॉन ई ई डी, ई डी तो बी सी हमारे पास 8 है, ये 12 है, चार से कैंसिल हो, अरे वाह 2/3 ये भी आ गया। अब देख लेते तीसरी साइड और चेक कर लेते हैं, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ए सी अपॉन डी एफ ले लेते हैं, तो ए सी कितना है 9, और ये है 13.5, 0 आया, यानी 90/135 आया, किससे कैंसिल हो रहा है, शायद से 45 से कैंसिल हो जाएगा। क्या ये भी 2/3 आ गया, यस और नो? क्या आंसर बी पार्ट आ गया, क्या आंसर बी पार्ट आ गया, ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा कि ये इसके रेशियो में ये, तो ये इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि साइड के रेशियो इधर उधर हो सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव से जल्दी आइडिया लग जाता है। अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इस क्वेश्चन में किया ए बी और ई डी के रेशियो तो आ नहीं रहते, तो मैंने तुरंत ही दो पार्ट रिजेक्ट कर दिए। फिर मैंने बी को टारगेट करा कि ए बी के करस्पॉन्डिंग ई एफ ले लेते हैं, और इसमें भी था ई एफ, तो मैंने इस पर करना शुरू कर दिया। अगर ये वाला पार्ट ना होता तो ये पार्ट हो जाता। तो आपको ये अप्रोच डेवलप करनी है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच भी डेवलप करनी है। जल्दी कैसे करना है, करने को तो ये कोई भी क्वेश्चन कर देगा भाई, कोई बच्चा कर देगा, समझ रहे हो? लेकिन आपको अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है, कि कैसे जल्दी करें।